फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इस वीडियो में हम थ्री पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। कल जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उसकी वजह से कम 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन नंबर 19 के ऑप्शन 2 को ही कंसिडर किया है। उससे 4 लाख बच्चे 5 मार्क्स लूज कर रहे हैं, उससे आपकी रैंक पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ MCC ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट हो सकती है, कब से स्टार्ट हो सकती है, कब से राउंड 1 स्टार्ट हो सकता है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा था, मैंने फर्स्ट वीडियो में जब ये रीनीट का मैटर चल रहा था तब मैंने कहा था कि हाइप बहुत ज़्यादा हो रही है, कोचिंग वाले इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, पॉलिटिशियन की साख का मैटर बनता चला जा रहा है, तो रीनीट की पॉसिबिलिटी 0 है। पहले वीडियो में मैंने बता दिया था आपको, वही कल हुआ, रीनीट नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यह है कि रीनीट नहीं होगा क्योंकि उनके पास ऐसे फॉरेंसिक एविडेंस भी नहीं थे, कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो ये बता सके कि एग्ज़ाम की जो पवित्रता है वो कहीं भंग हुई है। तो CJEE का यही कहना था कि हम रीनीट नहीं करा रहे। मैटर था रीनीट का, लेकिन ये मैटर आ गया ग्रेस मार्क्स पे। अब ग्रेस मार्क्स की वजह से नुकसान हो गया बच्चों को। आप गए थे रीनीट की डिमांड लेने के लिए और यहाँ पे आपका ही नुकसान हो गया क्योंकि 5 नंबर कम हो गए 4 लाख बच्चों के। तो कहने का मतलब है चले थे जापान के लिए, पहुँच गए चीन। इत मैटर था पूरा कि एग्ज़ाम को कैंसिल करा के रीनीट कराया जाए। हुआ क्या, एक स्टूडेंट का ऊपर से घाटा हो गया 5 नंबर का, जिसकी वजह से रैंक आपकी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। कैसे इफेक्ट करी, कितनी रैंक इफेक्ट करी, क्योंकि 4 लाख में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बिलो रैंक में होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो टॉप रैंक पे होंगे, मीन्स जिसके 720 मार्क्स आ रहे होंगे इंक्लूडिंग ग्रेस मार्क्स, उसके 715 हो जाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे ये करके नीचे ड्रॉप होगा। जिसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है उसकी रैंक बढ़ सकती है, और जिसने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है वो 5 मार्क्स लूज कर सकता है। तो कहने का सीधा मतलब ये अंदाज़ा लगाना यहाँ पे कठिन है क्योंकि 4 लाख में से कितने बच्चे हैं जो अपर लेयर में आते हैं, कितने बच्चे हैं जो लोअर लेयर में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऊपर से लेकर नीचे तक रैंक आपकी प्रभावित होगी। आपका रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होगा, 100% होगा, और आपका रैंक और मार्क्स दोनों चेंज होंगे यहाँ पे। तो इससे कहीं ना कहीं उन बच्चों का घाटा हो रहा है जो अभी तक अच्छा स्कोर लेके आ रहे थे बिकॉज ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि जिन्होंने ऑप्शन 2 किया हुआ है और ऑप्शन 4 किया हुआ है तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम होगी कि ऑप्शन 2 वाले को तो नंबर मिल जाएंगे लेकिन ऑप्शन 4 वाले के नंबर कट जाएंगे। मतलब ये कि ऑप्शन 2 वाला ऊपर चला जाएगा अगर दोनों सेम पायदान पे हैं। तो कहने का मतलब कि अगर आपकी रैंक अगर मान लीजिए अभी 8000 है तो हो सकता है आपकी रैंक 10000 हो जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। किस तरह से ये बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, किस तरह से 4 लाख बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हुए, ये भी मैटर करेगा। तो ये अंदाज लगाना अभी मुश्किल है। नीट का रिजल्ट दोबारा डिक्लेयर होगा तो आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक पे एक्चुअल में कितना प्रभाव पड़ रहा है, क्या आपकी रैंक बढ़ रही है या कम हो रही है। दूसरा, MCC ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का रास्ता बिल्कुल शुरू हो चुका है। अब नीट पेपर लीक खत्म हो चुका है मैटर, अब बहुत ही जल्द फिजिकली हैंडीकैप्ड का नोटिस, दिल्ली की CWD कैटेगरी का नोटिस, ये नोटिसेज आएंगे। उसके बाद MCC ऑल इंडिया कोटा का कंप्लीट शेड्यूल, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों का NMC रिलीज कर सकता है, MCC रिलीज कर सकता है। और जहाँ तक मुझे लगता है राउंड 1 आपका अगस्त 1 वीक से स्टार्ट हो सकता है, उससे पहले आपके रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू हो सकता है क्योंकि ऑलरेडी काउंसलिंग आपकी डिले हो चुकी है। अगर अभी से भी काउंसलिंग कराई जाएगी तो ये आपकी अक्टूबर लास्ट तक जा सकती है और नवंबर से आपका सेशन स्टार्ट होगा, तो ये काफ़ी डिले हो चुका है ऑलरेडी। तो एज सून एज पॉसिबल NTA अपना रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले तो रिजल्ट आएगा, NTA डिक्लेयर करेगा, उसके बाद ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी।